आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी झटपट बनने वाली सैंडविच। सैंडविच हर किसी को पसंद आते हैं, चाहे वो बड़े हो या बच्चे हो। बच्चों को तो ज़्यादा पसंद आते हैं, उनको टिफिन में बना के दीजिए इस तरह से सैंडविच, बहुत ही खुशी से खाते हैं, बहुत ही इंजॉय करते हैं। तो चलिए इसे बना लेते हैं। बहुत ही झटपट बनने वाली नाश्ते की रेसिपी है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए। हर किसी के बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं। आज मैं आपको अपने तरीके से बताती हूँ कि सैंडविच कैसे बनाएं, जो बिल्कुल क्रिस्पी और क्रंची हमारी सैंडविच बनके तैयार होगी। नमस्ते दोस्तों, बनाओ मचाओ में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सैंडविच बनाने के लिए पहले हम उसकी फिलिंग बनाएंगे। तो हम बना रहे हैं आज दही वाली सैंडविच, यानी कर्ड सैंडविच बना के तैयार करेंगे। उसके लिए हमने बिल्कुल फ्रेश दही 4 चम्मच हमने बॉल में डाल दिया है और दही को बिल्कुल स्मूथली हम फेंट लेंगे, ताकि इसमें जो वो फुटके दाने दाने जैसे रहते हैं वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। और इस तरह से हमने इसे फेंट लिया है, ज़्यादा इसको फेंटने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, उसे भी डाल के अच्छे से मिला लेंगे। इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए गाजर, कद्दूकस किया हुआ हमने गाजर डाल दिया, बारीक कटे हुए शिमला मिर्च, बारीक कटी हुई प्याज, सब्जी आप अपने मनपसंद डाल सकते हैं। हरी मिर्च हमने थोड़े से बारीक कट करके डाले हैं, तीखे के हिसाब से आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। बारीक कटे हुए थोड़े से हमने टमाटर भी डाल दिया है, टमाटर का जो अंदर का पल्प है उसे निकाल दिया था और उसके हमने छोटे छोटे पीस कर लिए। ढेर सारा धनिया के पत्ते और थोड़े से हमने बॉईल किए हुए कॉर्न डाल दिए हैं और डाल के इसे अच्छे से मिला लेते हैं। और ये हमारी कर्ड सैंडविच बनने के लिए स्टफिंग बन के तैयार हो गई है। बिल्कुल टेस्टी सी हमारी सैंडविच बन के तैयार होगी। और जब हमारे घंटों के काम मिनटों में हो जाए तो कितना आराम मिलता है। और सारे काम करने के बाद हम लेडीजों को आराम भी तो मिलता है कि चलो फटाफट से काम कर लिए, तो जितनी जल्दी काम हो जाए उतनी हमें सुकून मिलता है। तो इस तरह से हमने सैंडविच के लिए स्टफिंग बना के तैयार कर ली और उसे हमने साइड में रख लिया। और ये हमने ब्रेड लिए हैं, ब्रेड के स्लाइस, और इसके जो साइड साइड के पार्ट होते हैं ना ब्राउन, उसे हम निकाल देंगे। इसको निकालने के बाद जब बनाएंगे तो सैंडविच हमारी अच्छी बनती है, बिल्कुल एक बराबर दिखती है और क्लीन दिखती है, कहीं से मोटी नहीं, कहीं से पतली नहीं, और बिल्कुल वाइट वाइट सी हमारी दिखेगी। और ऐसे जब हम सेकेंगे ना तो चारों तरफ बराबर एक जैसा ब्राउन दिखेगा। तो पहले हम साइड साइड के जो ब्राउन पार्ट होते हैं उसे हम चाकू की सहायता से निकाल लेंगे। और ब्रेड के स्लाइस हमारे बन के तैयार हैं। जो हमने कट बना के रखा था ना इसकी स्टफिंग दही वाली, उसे हम ब्रेड के ऊपर इस तरह से फैला देंगे। बहुत ही टेस्टी सी ये सैंडविच बन के तैयार होती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, झटपट बनने वाली नाश्ते की रेसिपी है और पेट भी भरते हैं इसको खाने से, और हेल्थ के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि ढेर सारे हम इसमें वेजिटेबल बनाते हैं डाल के, तो हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो इस सैंडविच को आप ज़रूर बनाएं। और इस तरह से हमने भर दिया है और इसे हम एक दूसरे के ऊपर डाल के इस तरह से चिपका दिए हैं। आप इसमें चाहे तो चीज़ भी डाल सकते हैं, उसे भी बहुत अच्छा बनता है। तो मेरे पास चीज़ नहीं था तो हम सिर्फ दही से ही बना के तैयार करेंगे। और इस तरह से हमने 4 जो है ब्रेड के स्लाइसेस को इस तरह से चिपका दिया है स्टफिंग को ढाल के, और इसे हम बीचों बीच इस तरह से कट कर देंगे। देख सकते हैं कि मैं किस तरह से इसे कट कर रही हूँ। और इस तरह से हमने कट कर दिया है। अंदर की फीलिंग आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी बन के भरा है हमने, बहुत ही अच्छी तैयार हुई है। अब इसकी हम कर लेंगे सिकाई, बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगी हमारी सैंडविच सीख के। और ढेर सारे हमने इस तरह से ब्रेड के स्लाइसेस को बना के तैयार कर लिए हैं, ये देखिए। तो आप भी इस तरह से बनाइए, और चाहे तो आप स्टोर भी करके इसे रख सकते हैं, और आप जब दिल करे आप इसे सेक के खा सकते हैं। पैन को हमने गैस पे रखा है, इसमें हमने घी डाला है। आप चाहे तो बटर डाल सकते हैं या फिर रिफाइंड तेल भी डाल सकते हैं, तो हम इसमें घी डाल रहे हैं, क्योंकि जब हम घी में ब्रेड को सेकते हैं तो बच्चों को बहुत पसंद आता है। और हमारे बच्चे बोलते हैं बटर से अच्छा घी में सेक के हमें दिया करो, तो हमने इसमें घी डाल दिया है और घी से ही इसे हम सेक के तैयार करेंगे। गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखा है, और जैसे घी हमारा गर्म हो गया उसमें हमने ब्रेड के स्लाइस को डाल देना है। हल्का गोल्डन होने तक उलट पुलट के इसे अच्छे से सेक लेंगे। और हमने इसे उलट पुलट के हल्का गोल्डन होने तक सेक लिया है, बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी हमारे जो ब्रेड हैं सिक गए हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे और जो बाकी बचे हुए उसे भी हम सेक लेंगे, और इसी तरह से क्रिस्पी होने तक उसे सेक के हम तैयार कर लेते हैं। तो इतनी सारी हमने सैंडविच बना के तैयार कर ली है, बहुत ही क्रिस्पी हमारी सैंडविच बन के तैयार हुई है। आपको मैं इस तरह से करके दिखा रही थी, इसमें से बहुत अच्छी सी आवाज़ आ रही है क्रिस्पी जैसी, और ये बन के हमारी तैयार हो गई। देखिए मैं कट करके भी दिखा रही हूँ आपको कि इसके अंदर की जो फीलिंग है कितनी अच्छी दिख रही है, बहुत ही अच्छी हमारी सैंडविच बन के तैयार हुई है।
तो चलिए अब इसकी हम करते हैं प्लेटिंग। तो आप सनबीज को किस चटनी के साथ खाना चाहेंगे, अपने मनपसंद चटनी के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। सैंडविच को सर्व करने के लिए हमने इस तरह का प्लेट लिया, इसी में हम अपने सैंडविच को सर्व करेंगे। आपको सैंडविच की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह से मैं हर रोज़ वीडियो लाती हूँ, नई नई वीडियो, आप उसका आनंद ले पाएँ। और इस तरह से हमने सैंडविच को सर्व किया है इस प्लेट में, और हमने इसके साथ लगा दी है हरी वाली चटनी और लाल चटनी। तो आप किसके साथ खाना पसंद करेंगे, आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।